हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग स्पोर्ट्स तो दोस्तों ये है मेरा बी पी एड का मॉक टेस्ट नंबर सिक्सटीन अगर अब तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस फिफ्टीन मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया हो तो आप उसको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सॉल्व कर लीजिएगा वो सब आपके लिए ही है और वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ टॉपिक वाइज कंटेंट्स का लिंक डाल दूंगा आप उस लिंक पर क्लिक करके नोट्स बना सकते हैं जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और एक चीज मैं एक अरियंट रीजनिंग बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप उस लिंक पर क्लिक करके अरियंट का रीजनिंग रीजनिंग बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में टोटल सिक्सटी क्वेश्चन कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ एल एग्जाम टू और वो भी लेटेस्ट अपडेटेड डिटेल सॉल्यूशन डिटेल्ड प्रूफ सो लेट स्टार्ट विच कैंपेन फॉर हु डू नॉट मास्क आर मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोको टोको कैंपेन को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा आप इसका इमेज देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम है आपके शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का आप, कै, आपका कैपिटल है भोपाल क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू में आपका पूछा है रिसेंटली द फर्स्ट बैच ऑफ फाइव रफाइल फाइटर जेट्स अराइव एट जो हमारा फ्रांस से पांच रफाइल फाइटर प्लेन्स आए वो कहाँ पे सबसे पहले आए पांच का क्रू मेंबर्स जो आए थे उन्हें वो आया था हमारा अम्बाला एयरबेस पे क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं उसका इमेज क्वेश्चन नंबर थ्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी ऑप्शन आर निपेंद्र मिश्रा ऑप्शन नंबर बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह ऑप्शन नंबर सी पिनाकी चंद्र घोष एंड ऑप्शन नंबर डी मुन्ना नाल खांडेकर द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी हार्दिक सतीश चंद्रा शाह हार्दिक सतीश चंद्रा शाह इज एन इंडियन सिविल सर्वेंट एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ गुजरात कैडरे एंड इज सेक्रेटरी टू द एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाई गो ऑप्शन आर विराट कोहली हरभजन सिंह भुवनेश्वर कुमार एंड ऑप्शन नंबर डी स्मृति मंडाना तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरभजन सिंह अमृतसर बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ऑन ट्यूजडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन नंबर फाइव हु चेयर द फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम द ऑप्शन आर कारेन रिजिजू ऑप्शन नंबर बी ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह ऑप्शन नंबर डी पी मोदी तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कायरन रिजिजू फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम आपका हुआ था न्यू दिल्ली में चार अगस्त 2020 को किसके द्वारा कायरन रिजि रिजिजू द्वारा जो कि अपने देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हु हैज रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टू ग्रैंड पिक्स आपका जुड़ा रहता है एफ वन रेसिंग से ऑप्शन आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं अब विच टू गेम्स विल बी इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन आर वाटर पोलो एंड क्लाइंबिंग ऑप्शन नंबर बी लॉन्ड बॉल्स एंड साइकिलिंग ऑप्शन नंबर सी नेट बॉल एंड कराटे एंड ऑप्शन नंबर डी जूडो एंड कराटे तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉन्ड बॉल्स एंड साइकिलिंग खेलो इंडिया के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज फॉर्मरली नोन एज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम जिसे अभी कहा जाता है उससे पहले बोला जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फर्स्ट एडिशन आपका हुआ था 2018 में कहाँ पे हुआ था पहला एडिशन इसका इसका हुआ था दिल्ली में और कौन सी स्टेट ने टॉप किया था इसमें टॉप किया था हरियाणा ने फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था दिल्ली में आपका सेकेंड एडिशन हुआ था टू में कहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में और वहाँ पर महाराष्ट्र ने टॉप किया आपका तीसरा एडिशन जो 2020 में हुआ था वो आपका हुआ था गुवाहाटी असम में और इसमें टॉप किया आपका महाराष्ट्र ने और फोर्थ एडिशन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा 2021 में ये कहाँ पे होगा ये आपका होगा हरियाणा में अभी अभी इस साल पहला एडिशन आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी कराया गया ये अभी भी अभी अभी इस साल चालू किया गया टू में जिसका आपका पहला एडिशन खेला गया भुवनेश्वर में जो कि उड़ीसा में है उड़ीसा का कैपिटल भी है कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें टॉप की आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप की तो यही था आपका खेलो इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट बातें भी हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ द वन हंड्रेड सेवेंथ एडिशन ऑफ एडिशन नहीं होगा आपका एडिशन होगा द वन एडिशन ऑफ इंडियन साइंस सिटी इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली लखनऊ बेंगलुरु एंड पुणे तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु इंडिया लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ साइंटिफिक ल्यूमिनरीज फ्रॉम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड द वन सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम थर्ड जनवरी टू सेवंथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल बेंगलुरु जो आपकी आपका कर्नाटका में जो इसका थीम रखा गया था वन हंड्रेड सेडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस का जो आपका बेंगलुरु में हो रहा है इसका थीम था आपका नोट no डाउन कर लीजिएगा इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ हु हैज बिन इलेक्टेड एस ए एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ए आई टी एप्शन आर जयंत कृष्ण ऑप्शन नंबर बी अनिल जैन ऑप्शन नंबर सी अजय त्यागी ऑप्शन नंबर डी सुखबीर सिंह संधु तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनिल जैन अनिल जैन हैज बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अब टेनिस के बारे में आपका हर एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा चलिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ टेनिस के बारे में जो आप टू थाउजेंड ट्वेंटी से रिलेटेड है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए आपका टेनिस में चार ग्रैंड स्लैम होता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ये भी आपको पता होगा सबसे पहले आपको क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसे हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है इट इज़ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट जो दो हज़ार बीस में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मैंस में विनर थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बियन प्लेयर हैं और वहीं वुमेन्स में बात करें टू का ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर इन वुमेन सिंगल कैटेगरी जो थी आपकी सोफिया कैनिन जो कि अमेरिकन है नेशनलिटी देखे तो अब फ्रेंच ओपन की बात करते हैं फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है इट इज़ प्लेड ऑन रेड क्ले कोर्ट लाल मिट्टी पर यह खेला जाता है इस फ्रेंच ओपन से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस में बता देता हूँ जो कि अभी होने वाला है नोआमी ओसाका 2020 की जो यूएस ओपन की चैंपियन बनी है अभी, अभी उन्होंने अपना नाम विदड्रॉ कर लिया है फ्रेंच ओपन जो अभी होगा ड्यू टू इंजरी और एक प्लेयर ने विड्रॉ किया है जिनका नाम है एसले बाटी क्यों उन्होंने कोविड नाइन्टीन को देखते हुए अपने सिक्योरिटी रीजन के लिए विडड्रॉ कर लिया है फ्रेंच ओपन से जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी फ्रेंच ओपन की 2019 में कौन एसली बाटी वर्ल्ड नंबर वन अब बात करते हैं यूएस ओपन की आपका यूएस ओपन 2020। आपका मेंस में विनर इसके अभी भी जो जीते हैं डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रियन है और वहीं वुमेंस विनर है नोआमी ओसाका का जो कि जापान की प्लेयर है यूएस ओपन आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर और यूएस ओपन में आपका प्राइज मनी भी सबसे ज्यादा होता है अब बात करते हैं विमलंडन ओपन के बारे में जो कि 2020, 2020 में आपका विमलंडन ओपन को कैंसिल कर दिया गया है यही एक ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उपन, जिसे आप ग्रास पर खेला जाता है और विमलंडन ओपन को दाद चैंपियनशिप भी कहा जाता है तो यही था आपका टेनिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए कोई भी एग्जाम देने से पहले दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन में आपका पूछा है इंडिया रैंक डैश इन द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑप्शन आर थर्टी फाइव थर्टी फोर्थ थर्टी थर्ड एंड थर्टी नाइन तो इंडिया जो रैंक किया ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है थर्टी फोर्थ आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स थर्टी फोर्थ ऑन ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ये 2020 का इंडेक्स है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ऑप्शन आर गैस्टोन ब्राउनी ऑप्शन नंबर बी जेयर बोलोसोनारो ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स माइकल ऑप्शन नंबर डी जीन कैस्टेक तो फ्रांस के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं आपके जीन कैस्टेक आप देख सकते हैं उनको इमेज में फ्रांस का आपका कैपिटल हो जाएगा पेरिस और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके इमैनुअल मैक्रोन और जो मैंने बताया इस क्वेश्चन में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जियन कास्टेक्स जो अभी नए न्यूली अपॉइंट किए हैं अब जो आपके जैर बोलो हैं ऑप्शन नंबर बी में वो आपके ब्राजील के प्राइम प्रेसिडेंट हैं कौन से नंबर के थर्टी एट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जो अभी करंट में भी है वो है आपके जेर बोलो सुनारो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ द डैश ऑपरेशन हैज बाय द इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशन फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक ऑप्शन आर ऑपरेशन पाइथन ऑपरेशन समुद्र सेतु ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन वंदे भारत तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था आप देख सकते हैं इमेज में ऑपरेशन समुद्र सेतु बिगेस्ट इवैक्यूएशन फ्रॉम इंडियन नेवी और आपका वंदे भारत जो था यह किया गया था एयरफोर्स के द्वारा इवैक्यूएशन भी था आपका एक योजना चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ इंडियन ऑलराउंडर डैश सिलेक्टेड एज द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी इन इंडिया बाय विजड ऑप्शंस आर केदार जाधव ऑप्शन नंबर बी रविंद्र जडेजा ऑप्शन नंबर सी हार्दिक पांड्या ऑप्शन नंबर डी इरफान पठान सो दो सेंचुरी के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं बाई विजडन वो है आपके रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर रविंद, रविंद्र जडेजा हैज बीन नेम्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडिया इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बाई विजडेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटीना फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स ऑप्शन आर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के आपके सी एम हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का आपका कैपिटल है मुंबई वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आपके सी एम हैं भूपेश बघेल मैंने ये इंस्टाग्राम में क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि हु इज़ द सी एम ऑफ छत्तीसगढ़ कई लोगों ने इसका आंसर रमन सिंह बताया था पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो न्यूली अपॉइंट किए गए थे सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ वो हैं भूपेश बघेल कई लोगों को पता नहीं होगी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एस डिकॉर्डिंग स्पोर्ट्स अब छत्तीसगढ़ का आपका कैपिटल हो जाएगा रायपुर जिसे अभी नाम बदल कर कर दिया गया है अटल नगर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है आपका अटल नगर रायपुर जिसे कहते हैं और सी एम है भूपेश बघेल वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का आपका कैपिटल है भोपाल यूपी की बात करें तो आपका यूपी का कैपिटल है लखनऊ और यूपी के आपके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ विच इंडियन गेम मेड इट टू द लिस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स फॉर ओलम्पिक्स रिसे ऑप्शन आर रिदमिक जिमनास्टिक्स ऑप्शन नंबर बी वोशू ऑप्शन नंबर सी मलखम ऑप्शन नंबर डी स्क्वेस तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलखम विच ओनली प्लेयर हैज रिसेंटली कंप्लीटेड ही सिक्स हंड्रेड विक्ट्रीज ऑन हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट योर ऑप्शन आर नोवाक जोकविच ऑप्शन नंबर बी सोफिया कैनिन ऑप्शन नंबर सी रफाइल नडाल ऑप्शन नंबर डी सरेना विलियम्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच सिक्स हंड्रेड विन्स ऑन अ सिंगल सरफेस विद दैट विन ओवर स्टर्फ नोवाक हैज़ रिच एन एल्यूसिव माइल स्टोन ऑफ विनिंग सिक्स हंड्रेड गेम्स ऑन द सेम सरफेस आपके नोवाक जोकोविच सर्बियन प्लेयर हैं और उन्होंने दो हज़ार बीस का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उन्होंने ही जीता था जोकोविच का एटीपी रैंकिंग है फर्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ शू डॉग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए रिवॉक ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी प्यूमा ऑप्शन नंबर डी नाइकी तो शू डॉग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कंपनी नेम्ड कॉल्ड नाइकी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर एटीन विच कंट्री वी आर ज्वाइंटली डिक्लेय एज द विनर्स ऑफ फी डे चेस ओलंपियाड टू थाउजेंड ट्वेंटी योर ऑप्शन आर इंडिया एंड अमेरिका ऑप्शन नंबर बी रशिया एंड इंडिया ऑप्शन नंबर सी रशिया एंड अमेरिका ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड स्विटरलैंड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रशिया एंड इंडिया आपका फी डे का फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल दी इस चेस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं हम द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो कि वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है चेस गेम की चेस ओलंपियाड इंडिया रशिया डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन विच ग्रैंड स्लैम स्पेक्टेटर्स वुल बी अलाउड अमिड कोविड 19 ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम दो हजार बीस का खेला जाएगा जिसमें दर्शकों को भी देखने दिया जाएगा कोविड नाइन्टीन के बावजूद ऑप्शन आर विमलंडन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन यूएस ओपन तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन अब फ्रेंच ओपन के बारे में तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में पूरे अच्छे से बता दिया था और एक वीडियो मैंने डाला था टेनिस का आप अगर उसको नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए वो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा आया रहेगा उसमें मैंने सारी इम्पोर्टेंट बातें कवर कर लिया टेनिस गेम के बारे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ विच टू गेम्स आर री इंडक्टेड इन टू एशियन गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू योर ऑप्शन आर चेस एंड क्रिकेट ऑप्शन नंबर बी कैरम एंड चेस ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ऑप्शन नंबर डी चेस एंड वॉलीबॉल तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चेस एंड क्रिकेट आपका जो एशियन गेम खेला जाएगा 2022 का वो आपका नाइनटीन्थ एडिशन होगा जो कि खेला जाएगा आपका होंगोंग चाइना में जिसका मेस्कॉट है आपका स्मार्ट ट्रिपलेट्स एशियन गेम्स का आपका पहला एडिशन खेला गया था 1951 में न्यू दिल्ली में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक ऑप्शंस आर सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट एपियर्स एज वाइट ऑर्डरलेस पाउडर ऑफ और कलरलेस क्रिस्टल्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ अब फुल फॉर्म ऑफ आई सी एम आर ऑप्शन आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिस्क ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल ऑफ मीडिया रिसर्च ऑप्शन नंबर सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या ऑप्शन नंबर डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मरीन रेजिमेंट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज द फुल फॉर्म ऑफ आई द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई न्यू दिल्ली द अपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेसन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ अब वॉयसोशर मैटर्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग प्लेयर्स योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए लियोनल मेस्सी ऑप्शन नंबर बी लिविस हेमल्टन ऑप्शन नंबर सी पेले ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेले पेले को निकनेम था आपका पेले का निकनेम था डी को डी दी आई सी ओ और पेले का फुल नेम है आपका एडसन अरेंटस दो नेसीमेंटो जो कि एक ब्राजीलियन फुटबॉलर थे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तरफ वाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टी वी डे टू थाउजेंड ट्वेंटी योर ऑप्शन आर इट्स हाई टाइम ऑप्शन नंबर बी बी अलर्ट ऑप्शन नंबर सी बी रेस्पॉन्सिव ऑप्शन नंबर डी इट्स टाइम तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इट्स टाइम वर्ल्ड टी डे आपका हर साल सेलिब्रेट किया जाता है फोर्थ ऑफ मार्च को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज पोस्टोन द टू थाउजेंड ट्वेंटी डाकर यूथ समर ओलंपिक्स बाई हाउ मेनी ईयर्स योर ऑप्शन आर फोर थ्री वन टू तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फोर आप देख सकते हैं इमेज में द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आई ओ सी हैज पोस्टपोन द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डाकर यूथ ओलंपिक्स बाई फोर ईयर्स ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक अब यूथ गेम्स के बारे में आपको बताया था हूँ मैं अच्छे डिटेल में आपका जो यूथ समर ओलंपिक गेम्स कब चालू हुआ था ये आपका चालू हुआ था दो हजार दस में कहाँ पे इसका पहला एडिशन जो यूथ समर ओलंपिक्स का खेला गया था ये खेला गया था आपका 2010 में कहाँ पे सिंगापुर में वहीं पे यूथ विंटर ओलंपिक्स का आपका कब चालू हुआ था ये चालू हुआ था आपका 2012 में कहाँ पे ऑस्ट्रिया इन द यूथ ओलंपिक्स द एज लिमिटेशन ऑफ द एथलीट्स इज 14 टू एटीन ईयर्स रिसेंटली जो खेला गया था आपका यूथ ओलंपिक्स समर यूथ ओलंपिक खेला गया था वो खेला गया था 2018 में आपका खेला गया था कहाँ पर ब्यूनस आयर्स में जो कि अर्जेंटीना में है और 2026 का खेला जाएगा आपका डाकर में इस आई होप आप इसका नोट डाउन कर लिए होंगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ विच कंट्री विल होस्ट जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2021 योर ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान ऑप्शन नंबर सी चाइना ऑप्शन नंबर डी इंडिया तो 2021 का जो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो होगा आपका इंडिया में आप देख सकते हैं इमेज में इंडिया विल होस्ट द 2021 थाउजेंड ट्वेंटी जूनियर वर्ल्ड कप वाइल साउथ अफ्रीका द द होस्टिंग राइट्स फॉर वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप मतलब आपका जो मेंस का जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करेगा इंडिया 2021 में और वहीं वुमेन्स का होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका 2021 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हु इज द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए परम शिवाय ऑप्शन नंबर बी स्कॉट फ्लैनबर्ग ऑप्शन नंबर सी भानु भानुप्रकाश ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भानु भानुप्रकाश आप देख सकते हैं इमेज में नीलकंता भानुप्रकाश को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तरफ ग्रीको रोमन इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए गोल्फ ऑप्शन नंबर बी रेसलिंग ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग ऑप्शन नंबर डी शूटिंग तो ग्रीको रोमन टर्म आपका एसोसिएटेड है रेसलिंग से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं इमेज में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की तरफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बीकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए मनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर बी पी आर स्रीजेश ऑप्शन नंबर सी सरदार सिंह ऑप्शन नंबर डी रानी रामपाल तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रानी रामपाल आप देख सकते इमेज में रानी रामपाल को ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कोच है और इन्हें दो हजार बीस का भारत रत्न अवॉर्ड भी दिया गया है चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ फोर््ड मिर्जा हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज़ अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ विच इवेंट ऑप्शन आर जैवलिन थ्रो ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग ऑप्शन नंबर सी पुट ऑप्शन नंबर डी इक्विस्ट्रियन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इक्विस्ट्रियन ऑप्शन नंबर डी फोवार्ड मिर्जा बिकम्स फर्स्ट इंडियन इक्विस्ट्रियन इन 19 ईयर्स टू क्वालीफाई फॉर ओलंपिक्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप इमेज में देख सकते हैं फोवार मिर्जा बॉर्न ऑन सिक्स मार्च 1992 इज एन इंडियन हु वॉर्न सिल्वर मेडल्स इन बोर्ड द इंडिविजुअल इवेंटिंग एंड द टीम इवेंटिंग एट द 2018 एशियन गेम्स ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिंस 1982 एटी टू टू विन अ मेडल एट एन इंडिविजुअल इवेंट इन द स्पोर्ट एट द एशियन गेम्स क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की तरफ आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में पूछा है आपका हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग फाइव हंड्रेड विकेट्स इन टेस्ट मैचेस ऑप्शन नंबर हरभजन सिंह ऑप्शन नंबर बी जहीर खान ऑप्शन नंबर सी अनिल कुंबले ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनिल कुंबले वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग फाइव हंड्रेड विकेट्स इन टेस्ट मैच क्वेश्चन नंबर थर्टी टू टर्म टी इज यूज कॉमनली इन विच अमोंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए रेसिंग ऑप्शन नंबर बी गोल्फ ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस ऑप्शन नंबर डी टेनिस टेनिस मतलब आपका लॉन्ग टेनिस होगा याद रखेगा कहीं भी आपको आपका टेनिस दिया जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गोल्फ अ टी इज अ स्टैंड यूज टू सपोर्ट अ स्टेशनरी बॉल सो डेट द प्लेयर कैन स्ट्राइक इट पर्टिकुलरली इन गोल्फ टी बॉल बेसबॉल अमेरिकन फुटबॉल एंड रग्बी अ टी एलिवेट्स द बॉल ऑफ द ग्राउंड टू अ सुटेबल हाइट फॉर द प्लेयर टी आपका वो होता है जिसपे बॉल को रखा जाता है गोल्फ वाला और जिससे प्लेयर को थोड़ी अच्छी हाइट मिल सके जिसकी उससे अच्छे शॉट लग सके शॉट लग सके आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज ऑल्सो नोन एज योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल ऑप्शन नंबर बी सलाइवा ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर सॉल्ट एंड प्रोटीन ओवर हाफ ऑफ योर ब्लड इज प्लाज्मा द सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेंट्स रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की तरफ विच क्रिकेटर हैज़ टेकन मोस्ट कैचेस इन ओडियाई क्रिकेट मैंने मैं इस क्वेश्चन में विकेट कीपर की बात नहीं कर रहा हूं ऑप्शन आर रिकी पॉन्टिंग जैकेस कालिस ऑप्शन नंबर सी एम एस धोनी ऑप्शन नंबर डी महिला जयवर्धने तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महिला जयवर्धने जिन्होंने फोर फोर्टी एट मैचेस में टू हंड्रेड एंड एटीन कैच कैचेस लिए हैं सेकेंड नंबर पे आपके आते हैं रिकी पॉन्टिंग थर्ड पे मोहम्मद अजरुद्दीन और फोर्थ पे सचिन तेंदुलकर और फिफ्थ पे आपके आते हैं रॉस टेलर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच क्रिकेटर हैड स्कोर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट ऑप्शंस आर अफरीदी ऑप्शन नंबर बी एबी डी विलियर्स ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड लेवी ऑप्शन नंबर डी विविन रिचर्ड्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए बी डी विलियर्स हैड स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ए बी डी विलियर्स ऑन संडे स्कोर्ड द फास्टेस्ट हंड्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ ओडियाई क्रिकेट डी विलियर्स सेंचुरी केम इन जस्ट थर्टी वन बोल्स अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज इन द सेकेंड ओडियाई एट जोहबर्ग इन्होंने सेंचुरी जो मारी है फास्टेस्ट इकतीस बॉल थर्टी वन बॉल में सेंचुरी मारी है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज द डायमेंशन ऑफ रुपीज ट्वेंटी न्यू नोट जो बीस रुपए का नया नोट आया उसका डायमेंशन आपको बताना है ऑप्शन आर 65 फाइव इंटू वन ट्वेंटी नाइन ऑप्शन नंबर बी सिक्सटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी नाइन मिलीमीटर ऑप्शन नंबर सिक्स सी सिक्सटी सिक्स इंटू वन ट्वेंटी नाइन और ऑप्शन नंबर डी था आपका सिक्सटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी होगा यहाँ पे मीटर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्री इंटू वन ट्वेंटी नाइन बैक साइड इमेज आप देख सकते हैं डायग्राम में बना होगा आपका एलोरा केव्स का और डायमेंशन तो आपको मैंने बता ही दिया सिक्सटी थ्री मिलीमीटर इंटू वन टी नाइन मिलीमीटर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर ऑप्शन नंबर बी गेलवेमीटर ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर ऑप्शन नंबर डी ओडियोमीटर तो जो डिवाइस यूज की जाती है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे बोला जाता है बैरोमीटर आप इमेज में देख सकते हैं और बात कर लेते हैं आपका गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है आपका गैल्वेनोमीटर मेजर करता है करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और वहीं पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है आपका ऑडोमीटर वो मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द टर्म पिक्चर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स योर ऑप्शन आर गोल्फ क्रिकेट पोलो एंड बेसबॉल तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल इन बेस बॉल द पिक्चर इज द प्लेयर हु थ्रो द बॉल फ्रॉम द पिक्चर माउथ माउंड टूवर्ड्स द कैचर टू बिगिन इच प्ले विद द गोल ऑफ रिटायरिंग अ बैटर हु अटेम्प टू आइदर मेक कॉन्टेक्ट विद द पिक्चर बॉल और ड्रॉ अ वॉक क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की तरफ चले अब चलिए आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द हाइएस्ट टाइटल इन जूडो इज योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए सेवंथ डैन ऑप्शन नंबर बी डैन ऑप्शन नंबर टेंटी फोर्थ डैन ऑप्शन नंबर डी नाइन्थ दोस्तों जो टाइटल होता है जूडो में वो होता है आपका टेंथ डैन आप देख सकते हैं चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्टी की तरफ द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज योर ऑप्शन आर ऑप्शन 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 नंबर 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 बी सी डी था आपका ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट यार्ड्स तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ट्वेंटी सिक्स माइल्स थ्री एटी फाइव यार्ड्स जिसे हम किलोमीटर में बोल सकते हैं फोर्टी टू पॉइंट वन नाइन फाइव किलोमीटर एज द लैंड ऑफ सनराइज योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आसाम ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हू द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 थाउजेंड ट्वेंटी योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए बेनस्टोक्स ऑप्शन नंबर बी इससे ऑप्शन नंबर सी होगा आपका स्टीव स्मिथ ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेन स्टोक्स विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी बेन स्टोक्स एंड एलिसे पैरी बेग्ड टॉप होनर्स फुल लिस्ट ऑफ विनर्स तो दोस्तों आपका मेंस में जो विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी है वो बेन स्टोक्स हैं और वहीं वुमेंस की बात करें तो आपके हैं एलिसा पैरी चलते हैं अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी नंबर ए चेल्सा ऑप्शन नंबर बी लिवरपूल ऑप्शन नंबर सी मैनचेस्टर सिटी ऑप्शन नंबर डी न्यू यूनाइटेड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिवरपूल ऑप्शन नंबर बी लिवरपूल द प्रीमियर लीग ट्रॉफी After more than 30 years without winning the top division Liverpool won their first Premier League title and 19th English top flight crown overall in the 2019-20 season. Question number 44. Don't need something on my jersey for people to understand my mission are the words of options are option number A LeBron James option number B David Warner option number C Steve Smith option number D Kobe Bryant तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए लेब्रोन जेम्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच स्टेट विल होस्ट फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आफ्टर द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टोक्यो ओलंपिक्स योर ऑप्शन आर हरियाणा न्यू दिल्ली गोवा महाराष्ट्र तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा जो मैंने बताया था आपका पिछले क्वेश्चन में लेब्रॉन जेम्स वो आपके अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं वो आपके खेलते हैं लॉस एंजलर्स लेकर्स की टीम से इन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एन में लेबरॉन जेम्स हैज ऑल्सो सेट आ रिकॉर्ड विद सिक्सटींथ ऑल एन टीम सिलेक्शन इन इज सेवनटीन कैरियर ये थी पिछले क्वेश्चन की बात चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर ये जो खेलो इंडिया का मैंने आपको बता दिया है सब चीज़ पिछले क्वेश्चंस में डिटेल में तो इस क्वेश्चन में मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलते आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में पूछा है आपका विच फुटबॉलर विल हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हिम इन सिक्किम योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री ऑप्शन नंबर बी गुरप्रीत सिंह संधू ऑप्शन नंबर सी बाइचिंग भुटिया ऑप्शन नंबर डी संदेश जिंगर तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी बाइचिंग भुटिया बैचिंग बुडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले हंड्रेड मैचेज फ्रॉम इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम सेकेंड जो प्लेयर हैं वो हैं सुनील चेत्री और फर्स्ट थे बैचिंग भुटिया आपके गुरप्रीत सिंह संधू इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं वहीं है संदेश जिंगन डिफेंडर हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इससे रिलेटेड असाम गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट थर्टी थ्री स्टेडियम्स इन स्टेट अंडर उत्तराण स्कीम ये दो तो पॉइंट मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट में कवर की हुई है तभी आपको एक बार रिवाइज करा दिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हु हैज़ बीकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक फाइव हंड्रेड विकेट्स इन टी ट्वेंटी क्रिकेट योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए कायरन पुलाड ऑप्शन नंबर बी डी जे ब्राबो ऑप्शन नंबर सी पेड कमिंस ऑप्शन नंबर डी टेल टेल्सटेन तो फर्स्ट बॉलर जिन्होंने बने हैं जो फाइव हंड्रेड विकेट्स लिए टी ट्वेंटी क्रिकेट में वो है आपके डी जे ब्राबो डोन ब्राबो डोन ब्राबो बीकेम द फर्स्ट एवर बॉलर टू रीच The 500 wickets milestone in T20 cricket on Wednesday, the West Indies bowler reached the landmark while playing the while playing for द Night Riders in the Caribbean Premier League at the Queens Park. एट आपका एक क्वेश्चन और बनता बन सकता है इंपॉर्टेंट जो भी कैरेबियन प्रीमियर लीग चलाता है वेस्ट इंडीज़ में जैसे इंडिया का आई पी एल होता वहीं वेस्ट इंडीज़ का जो चलता है वो जीता है कौन सी टीम ने शाहरुख खान की टीम ने जीता है वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जिस टीम का नाम है आपका नाइट राइडर्स त्रिबागो नाइट राइडर्स नाम है उस टीम का ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है इसको नोट डाउन नो कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच टेनिस प्लेयर हैज पुल्ड आउट ऑफ द यूएस ओपन साइटिंग कंसर्न्स ओवर द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो आपका यूएस ओपन अभी 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 आपका फिनिश हुआ था इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है रफाइल नडाल डाल दो, डोमी थिंग रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का रफाइल नडाल दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका दो का आंसर होगा पर ये ऑप्शन के हिसाब से रफाइल नडाल होगा दो ऑप्शन इसलिए दो आंसर इसलिए होंगे क्योंकि सिमोना हैलप ने भी विड्रॉ कर लिया है अपना नाम कर लिया था यूएस ओपन से अपना नाम ड्यू टू कोविड नाइन्टीन और दूसरे प्लेयर थे आपके रफाइल नडाल डाल यू ओपन के मेन्स में विनर थे आपके नवाग नहीं आपके मैंस में विनर कौन है यू ओपन टू के डोमिनिक थीम और वहीं वुमेंस की बात करें तो आपकी विनर हैं नोआमी ओसाका 2020 यूएस ओपन विनर्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में पूछा है आपका हु हैजन द फॉर्मूला वन सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2020 योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स लेक्रेक लेक्रेक ऑप्शन नंबर बी वोल्टेरी बोटास ऑप्शन नंबर सी लैंडो नॉरिस ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन तो 2020 का जो फार्मूला वन का सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो जीता था वोल्टेरी बोटास ने वोल्टेरी बोटास क्वेश्चन नंबर फिफ्टी और हमारे जी के जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ डिफेंडिंग चैंपियन वर्ल्ड नंबर वन डैश टू की फ्रेंच ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी ओवर कोविड नाइन्टीन कंसर्न्स इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग किसकी है

रीजनिंग का जो है हमारा सेट रीजनिंग के हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चन को इन क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करते चलिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आपका रीजनिंग का और हमारा होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इस वीडियो का सिक्स थ्री थ्री फोर पॉइंट फाइव तो क्वेश्चन मार्क में आपका क्या होगा यही आपको बताना है योर ऑप्शन आर थ्री सेवन फाइव पॉइंट फाइव एंड नाइन तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइन अब मैं आपको बताया हूँ ये कैसे आया आपका आप सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव करेंगे तो आपका हो जाएगा थ्री फिर आपको इंटू वन करना है तो हो जाए थ्री हो जाए थ्री फिर थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव करेंगे तो आपका हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव फिर आपको करना पड़ेगा इंटू टू तो आपका हो जाएगा नाइन तो इसका ट्रिक कैसा इंटू पॉइंट फाइव इंटू वन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करना था यही इसका ट्रिक था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू की तरफ इफ बैग इज इजिकल्स टू सेवेंटी टू देन वाइज विल बी इक्वल्स टू योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए सेवेंटी ऑप्शन नंबर बी नाइन्टी ऑप्शन नंबर सी सेवनटी फाइव ऑप्शन नंबर डी सिक्सटी नाइन तो करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्सटी नाइन अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए बी ए जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी एट टू जेड तक लिखना पड़ेगा और उसके बगल में आपको नंबर देना पड़ेगा उसका ए फोर वन और अब अब सीधा नंबर दे दिए अब आपको उल्टा नंबर देना पड़ेगा मतलब आपका ए हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स ऐसे चालू करेंगे आप जब आप उल्टा लिखेंगे तो आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा जो बी ए जी दिया है सेवेंटी वन वो कैसे आया मैं बताता हूँ आपको बी हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव अब वहीं पे ए हो जाएगा आपका ट्वेंटी सिक्स और आपका जी हो जाएगा ट्वेंटी तो तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सेवेंटी वन वैसे ही हम वाई का कैलकुलेट कर लेंगे फाइव प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी टू तो हमारा आ जाएगा सिक्सटी नाइन तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्सटी नाइन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की तरफ फिफ्टी थ्री इफ मीट इज़ रिटर्न एज टीम देन बेल इज रिटर्न एज ऑप्शन आर ई एल ए बी ऑप्शन नंबर बी ई बी एल ए ऑप्शन नंबर सी ई ए एल बी ऑप्शन नंबर डी ई ए बी एल आपको क्या करना है मीट कर दिया हुआ है टीम आप देख सकते हैं एम कहाँ चला गया लास्ट में चला गया है और टी उधर का इधर आ गया है एम का इधर का उधर चला गया है और ई e और ए सेम है मतलब आपका सेकेंड और थर्ड लेटर जो है वो आपका सेम है और जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है वो इंटरचेंज कर दिया गया है पोजीशन तो वैसे ही आप बेल बेल का लिखेंगे तो आपका ई e इधर आ जाएगा और बी उधर चल जाएगा तो फर्स्ट लेटर हो जाएगा आपका ई e, और लास्ट लेटर हो जाएगा बी और ए और एल ऐसे ही रहेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ई ए एल बी आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर मैं पूछा है आपका विच विल अपीयर फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी आपको इसे इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से अरेंज करना है और आपको बताना है कि फोर्थ नंबर पे कौन सा सेंटेंस वर्ड आएगा ऑप्शन आर क्वालिटी क्विट क्विक क्वेश्चन आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा डिक्शनरी के हिसाब से तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आंसर तो देख सकते हैं आप इसका क्विट हो जाएगा आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वालिटी फिर आएगा आपका क्वेश्चन फिर आपका आ जाएगा क्विक और लास्ट में आ जाएगा आपका क्विट तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी क्विट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच लेटर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच लेटर वंस ऑफ मेज़रमेंट आपको मेजरमेंट जितने भी उसमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उसमें से यूज़ करके आपको इन चारों ऑप्शन में से एक वर्ड बनाना है आपको एक वर्ड को एक ही बार यूज़ करना है आप अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो आपको बन जाएगा मास्टर आप देख सकते हैं बाकी आपका तीनों नहीं बनेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मास्टर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो या समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपका डाउट वहीं क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सिक्वेंस विच आर प्रीसीडेड बाई सेवन एंड फॉलोड बाई सिक्स प्रीसीडेड बाई सेवन मतलब सेवन के बाद और छः के पहले समझ गए ना तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक ही इसमें ऐसा वर्ड बनेगा आप देख सकते हैं आप सॉल्व करिएगा इसको इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ ऐसा एक ही सेंटेंस एक ही वर्ड बन रहा है आपका बीच में आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन टू फिफ्टीन फोर्टी वन एटी योर ऑप्शंस आर वन ट्वेंटी वन वन हंड्रेड एंड एलेवन वन ट्वेंटी एंड वन थर्टी टू तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वन थ्री टू अब मैं बता देता हूँ आपको इसका ट्रिक आपने टू में प्लस थर्टीन किया तो आपका हो गया फिफ्टीन अब थर्टीन इंटू टू हो जाए थर्टीन इंटू टू क्या होता है ट्वेंटी सिक्स अब फिफ्टीन में आप ट्वेंटी सिक्स एड करेंगे तो आपका हो जाएगा फोर्टी वन अब थर्टीन थ्री होता है थर्टी नाइन तो वहीं फोर्टी वन में आप थर्टी नाइन ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा एटी अब थर्टीन फोर करेंगे तो हमारा हो जाएगा फिफ्टी टू और 80 प्लस फिफ्टी करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 152 फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय वीना सेड ही इज द सोन ऑफ ओनली सोन ऑफ माई ग्रैंड फादर ही इज द सोन ऑफ ओनली सोन ऑफ माई ग्रैंड फादर हाउ इज़ दैट बॉय रिलेटेड टू वीना योर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए अंकल ब्रदर कजन नीफ यू तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंकल आपको मैं बताता हूँ ये कैसे आया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अंकल नहीं होगा <laughs> आप इस ऑप्शन पे टिक जो है उस पर मच जाइएगा इसका करेक्ट आंसर हो गया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रदर ब्रदर इज़ द करेक्ट आंसर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अब मैं बता देता हूँ बता देता हूँ आपको कैसे आया द ओनली सोन ऑफ वीनास ग्रैंड फादर वीना के दादा के इकलौते बेटे वीना के पापा है ना और वीना के पापा का बेटा वीना का क्या लगेगा भाई तो लगेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रदर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इफ पी इज डिनोटेड एज मल्टीप्लीकेशन टी डी माइनस एम डी प्लस एंड बी डी नोट डिविजन देन ट्वेल्व पी सिक्स एम फिफ्टीन टी सिक्सटीन बी फोर इज इक्वल्स टू करेक्ट आंसर विल बी योर एट्टी थ्री आप इसे बोर्ड मार्च तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा आपको इसको सॉल्व करने का कर ट्रिक यही रहेगा आप पहले लिख लीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर उसके नीचे आप वैल्यू साइंस जो भी दिया पी के नीचे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन तो उसको इंसर्ट करते जाइएगा और बॉडमास रूल लगा के सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा आपको अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी ए डैश सी डैश बी ए डैश सी ए डैश सी बी योर ऑप्शन आर ए सी बी ए ऑप्शन नंबर बी ए बी डबल सी ऑप्शन नंबर सी बी सी डबल ए ऑप्शन नंबर डी बी सी बी ए तो करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा वो हो जाएगा आपका बी सी बी ए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं पहले आपको काउंट कर लीजिएगा पूरा अल्फाबेट कितने हैं आप देख सकते हैं ए डैस दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब बारह हो गए अब बारह को हम थ्री से डिवाइड होता है ना तो हम करेंगे थ्री फोर जा ट्वेल्व तो तीन तीन हिस्सा में काट दीजिए अलग अलग तो हमारा हो जाएगा ए बी सी ठीक शुरू के तीन में फिर हमारा क्या बनेगा सी बी ए सेकेंड पार्ट में थर्ड में क्या बनेगा हमारा बी सी ए और फोर्थ में हमारा बनेगा ए सी बी अब हम चारों को जोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा बी सी बी ए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो दोस्तों यही था हमारा